बुलंदशहर के देहात पुलिस की उस वक्त बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई जब बदमाश क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें पुलिस की एक गोली मुकेश उर्फ मुक्की नाम के 25,000 के इनामी बदमाश को लग गई। थाना कोतवाली देहात में बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मुकेश उर्फ मुक्की, जो थाना जहांगीराबाद क्षेत्र का रहने वाला है, पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से पुलिस लिखी हुई मोटरसाइकिल, अवैध असलहे, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इसके विरुद्ध आधे दर्जन से अधिक लूट के गंभीर मामलों के मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं तथा विगत एक वर्ष से थाना डिबाही थाना क्षेत्र के एक लूट में वांछित चल रहा था और इसी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। हाँ, इसके साथ एक और अपराधी था जो अधेरे का लाभ लेते हुए भागने में समर्थ रहा था और हम लोग उसकी भी तलाश करा रहे हैं। जबकि मुकेश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस की माने तो घायल बदमाश पर लगभग आधा दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने घायल इनामी से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और पुलिस लिखी एक अपाची बाइक बरामद की है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से देर रात सूचना मिली थी कि बाइक सवार बदमाश बुलंदशहर सांसद भोला सिंह के घर के आसपास में है और बदमाश क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने जब आरोपियों की घेराबंदी की तो बदमाशों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई जिसमें इनामी मुकेश उर्फ मुक्की घायल हो गया। फिलहाल घायल इनामी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जबकि मुठभेड़ के दौरान फरार हुए आरोपी की पुलिस अब भी तलाश कर रही है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुभम शर्मा, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।